काली राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी के आगमन हुए बजात थे। पीएम यहां विजय संकल्प रैली ला संबोधित कर ही और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावले TV24 के खास बातचीत में बताईस के 7 जुलाई के यहां ले परिवर्तन के शंखनाद हो ही। अरुण सावले खास बातचीत करीस हमार सब एडिटर अमित शर्मा। वो घड़ी आ चुकी है, कल पीएम मोदी यहां पहुंच जाएंगे, आम सभा को संबोधित भी करेंगे, और क्या संदेश देने की कोशिश छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की जनसभा के माध्यम से होगी? देखिए, इस रैली का नाम हमने विजय संकल्प महारैली कहा है। विजय का संकल्प, विजय का शंखनाद कल इस ऐतिहासिक साइंस कॉलेज के मैदान में होने वाला है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का कल आगमन हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में उनके आगमन को लेकर उत्साह है। का शंखनाद होगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। सर, इस बार के जो विधानसभा के मुद्दे हम देख रहे हैं कि लगातार जो है संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, क्या लगता है कि सरकार किन और विषयों पर ध्यान नहीं दे पा रही जिसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उठा सकती है? देखिए, सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। वोट ले लिया, गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाए वोट ले लिया, लेकिन हर वर्ग आज इस सरकार से ठगा हुआ महसूस करता है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भू माफियाओं का गढ़ बना दिया, और जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और इस सरकार से छुटकारा चाहती है, और इसलिए निश्चित रूप से कल नरेंद्र मोदी जी का आगमन ऐतिहासिक होगा और छत्तीसगढ़ के राजनीति में परिवर्तन का शंखनाद कल होने वाला है। तो कल पीएम का दौरा ऐतिहासिक होगा और परिवर्तन का शंखनाद यहां पर होने वाला है, ये कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। टीवी 24 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ अमित शर्मा।